आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर करना चाहता था, लेकिन न मौका था न दस्तूर, लेकिन आज है और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और बिलीव मी गाइस, ये चीज़ आप लोगों के साथ रिलेट करेगा, या तो यह आप लोगों के साथ हो चुका होगा या इन फ्यूचर ज़रूर होगा। तो उस केस में आप लोगों को कैसे रिएक्ट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। गाइस, आप लोगों को पता है कि इंसान सक्सेसफुल कैसे होता है? मैं आपको बताता हूं, दो रीजन की वजह से। पहला कि जब आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता है, लोग आप पे बिलीव करते हैं। उस केस में भी जब आप अनसक्सेसफुल हो रहे होते हैं या फिर कुछ नहीं कर पाते, लोग आप पे बिलीव करते हैं कि यू कैन डू इट मैन, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम में कैपेबिलिटी है और तुम एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगे, ऐसा कह के आपको वो मोटिवेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव एनवायरमेंट। और उस केस में इंसान खुद सोचता है, एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि लोग यार इतना विश्वास करते हैं, इतना बिलीव कर रहे हैं तुम पे, तुम अनसक्सेसफुल हो, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, उसके बावजूद भी वो तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो मुझे कुछ करके दिखाना है। उस केस में वो उस पाथ पे चल पड़ता है जिसको हम लोग सक्सेस पाथ कहते हैं, और वो कुछ करके दिखाता है। और मजे की बात, जब वो उस लेवल पे पहुंच जाता है तो वो उन लोगों को धन्यवाद कहता है जिन लोगों ने, जब वो कुछ नहीं था, उनको सपोर्ट किया। एक दूसरी तरह का एंगल भी है सक्सेसफुल होने का। जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट या आपके आसपास के लोग, जब आप अनसक्सेसफुल हैं या परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको धुतकारना शुरू कर देते कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम क्या करोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, उस केस में भी इंसान सक्सेसफुल होता है। क्यों होता है? जब वो पॉजिटिवली उन लोगों को जवाब देने के लिए सक्सेस के पाथ पे चल पड़ता है, अलाइन करता अपनी पावर्स को और कहता है कि जो तुम सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूं, मैं भी कुछ हूं, मेरी भी कुछ पॉजिटिव चीजें हैं और मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। और वो परफॉर्म करता है और सक्सेसफुल होके दिखाता है। मेरे साथ लाइफ में, और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के साथ लाइफ में, दूसरी तरीके का सक्सेस पाथ होता है या दूसरे तरीके का सक्सेस, यू नो, क्राइटेरिया निकल के आता है। लोग बिलीव नहीं करते, लोगों का आप पे कोई फेथ नहीं होता। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा, बहुत बार लोगों ने मुझसे कहा ये IITN नहीं है यार, ये NITN नहीं है, इसको इंग्लिश नहीं आती, पढ़ाएगा कैसे, क्या है ये, बहुत बार कहा। और मैंने हर बार अपनी सक्सेस के थ्रू उनको जवाब दिए। लेकिन एक बार क्या हुआ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से बहुत सारे लोगों ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश की कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको कुछ नहीं आता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से मुझे पंच किया जा रहा था। और सीरियसली बताऊं तो मैं डिलेमा में आ गया था। मैंने सोचा कि क्या ये सच है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं IIT से नहीं हूं, मैं NIT से नहीं हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मैं पढ़ा नहीं सकता। मैं डिलेमा में चला गया था, मैं सोचने लगा था, अपने आप पे शक करने लगा था कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं लाइफ में। तब आपका साथ देते आपकी इनर स्ट्रेंथ, मेरे अंदर का इंसान जागा। उस समय जब मैं बिल्कुल परेशान था, हैरान था, मैं क्या कर रहा हूं, उस टाइम पे अंदर से आवाज आई, ओए रुक, अब ये लोग तुझे बताएंगे कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं। तू जिसने YouTube पे 860 से ज्यादा वीडियोस बना दी, तू जिसने YouTube पे 3,50,000 सब्सक्राइबर तक इकट्ठे कर लिए, तू जिसने एक इंडियन प्लेटफॉर्म पे नंबर 1 की सिचुएशन पे आके जॉब छोड़ी, तू जिसके एक नंबर 1 इंडियन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे 1,00,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, इतना करने के बाद ये लोग तुझे बताएंगे कि तू क्या कर सकता है और क्या नहीं।
तब मैं खड़ा हुआ, विश्वास किया कि मैं कुछ कर सकता हूं और मैंने किया है और मुझे इन लोगों को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। हर बार ऐसा हुआ और मेरे इनर स्ट्रेंथ, मैंने खुद ने अपने आप को सबल बनाया और ऊपर उठा और सक्सेसफुल होके दिखाया। आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि जवाब कैसे देना है। वो लोग जिन्होंने मुझे लाइफ में विश्वास जताया, हमेशा मेरा सपोर्ट किया, उनके लिए मेरा जवाब है ये। और जिन्होंने हमेशा मुझ पे शक किया कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये किसी लायक नहीं है, उनके लिए मेरा जवाब है